हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आई क्यू अभिषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आई क्यू अभिषेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। और आज की हमारी अपडेट होने वाली है यूपी आरवीएनएल की लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, उससे रिलेटेड यहाँ पर वीडियो है जिसमें हम बताएंगे कि आपको पिछली बार की क्या कट ऑफ गई थी मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि अब जो एग्ज़ाम होने वाला है 15 मई को, आपको लगभग कितना तक अटैम्प्ट करना चाहिए ताकि आपका जो है सिलेक्शन होने का चांस यहाँ पे बढ़े। क्योंकि तो पेपर का लेवल भी यूपी आरवीएनएल का इतना आसान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आप कट ऑफ देखेंगे तो आपको खुद आइडिया लगेगा कितनी ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे यूपी आरवीएनएल की गई थी। तो आइए हम लोग यहाँ पर आप लोग को देखते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, और जो है आपकी कंप्यूटर की जो कट ऑफ गई है उसकी क्या कट ऑफ गई है। तो हम यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन को देखेंगे ऑफिशियल साइट पर, अभी ये रिजल्ट का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी में ही आया है। अभी यूपी आरवीएनएल की जो है लड़कों की ज्वाइनिंग जो है प्रोसीजर चल रहा है, काफ़ी लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी जल्दी। तो यहाँ पर देखिए रोल नंबर दे रखा था जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, जो भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो कंबाइंड सीट थी उसमें, और जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की यहाँ देख सकते हैं कंबाइंड सीट, और इस तरीके से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन की सीट थी, और कंप्यूटर की यहाँ पर जो सीट्स थी उसमें जो फाइनल लड़कों का सिलेक्शन हुआ था वो है। अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे तो देखिए जो फाइनल कट ऑफ गई थी, जिसमें आप देख सकते हैं जो कि 200 मार्क्स में से गई थी, नॉर्मलाइज कट ऑफ भी जिसे कहा जा सकता है, फाइनल जो थी वो नॉर्मलाइज कट ऑफ हुई थी। अगर हम जूनियर इंजीनियर ईएम एंड कैडर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल की जो कट ऑफ आप देख सकते हैं 153 यूआर की कट ऑफ गई थी, जो कि काफ़ी अच्छी कट ऑफ मानी जा सकती है। ओबीसी की 151, एससी की 141 और 114.46 जो है आपकी एसटी की, और ईडब्ल्यूएस की 148.62, और यहाँ देखेंगे आप पीडब्ल्यूडी की 123.80 और ईएसएम इलेक्ट यानी एक्स सर्विस मैन की आपकी 123.32 और जो आपके देखिए डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर की 124.12। इस तरीके से मैकेनिकल की देखिए सबसे ज़्यादा अगर किसी कट ऑफ में उतार देखने को मिला है, मतलब चढ़ाव देखने को मिला है, तो उसे देख सकते हैं मैकेनिकल की 162.02। पेपर का लेवल देख के कोई भी नहीं कह सकता था कि इतनी ज़्यादा 162.02 यहाँ पे कट ऑफ फाइनल कट ऑफ जा सकती है। तो यहाँ खुद ही देख सकते हैं आपकी यूआर की 162.02, ओबीसी की 159.17, एससी की 147.479, 125.81, एसटी की 157.23, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की और पीडब्ल्यूडी की 137.96, ईएसएम की आपकी 116.71 और फ्रीडम फाइटर की 111.02। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, तो इनकी कट ऑफ मैं कहूँगा कि ऑन एन एवरेज कट ऑफ गई थी, क्योंकि 200 में से 115.25 गई यूआर की, 109.50 ओबीसी की, एससी की 103, एसटी की 79.50, ईडब्ल्यूएस की 107, पीडब्ल्यूडी की 101.25, ईएसएम की 110 और आपकी फ्रीडम फाइटर की डिपेंडेंट की 107.25। इसी तरीके से कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर में तो ने एसटी का कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए, इस बार इसकी कट ऑफ ही नहीं आई। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक्स सर्विस मैन के कंप्यूटर में कोई कैंडिडेट मिल ही नहीं पाए, 112.25 गई कंप्यूटर में यहाँ पर कट ऑफ जो है यूआर की, और ओबीसी की 100, एससी की 92.25 और आपकी ईडब्ल्यूएस की 97.50, जो कि काफ़ी कम है, और बाकी मैंने कैंडिडेट ही नहीं मिले इसलिए कोई कट ऑफ यहाँ पर डिसाइड नहीं हो पाई। तो आप यहाँ पर आप लोग को कट ऑफ देख के एक आइडिया लग गया होगा कि 200 में से अगर आप लोग मैकेनिकल के कैंडिडेट हैं तो आपको जो है कम से कम 160 से ऊपर ही करेक्ट मतलब अटैम्प्ट करने होगा, तभी जाके आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने का चांस बनता है। क्योंकि कट ऑफ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो इससे कम कट ऑफ जाने का चांसेस आपको कम लगता है। क्योंकि अगर आप पेपर का लेवल भी देखेंगे तो वो पेपर का लेवल भी आसान नहीं था, उस आसान मतलब कठिन लेवल पर भी आपका कट ऑफ जो है 162.02 यूआर की गई है, तो एक काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ है। इसी तरीके इलेक्ट्रिकल में भी 153 कट ऑफ गई है, जो कि एक बहुत ज़्यादा कट ऑफ मानी जा सकती है, अच्छी कट ऑफ है। तो आपको इलेक्ट्रिकल में भी कम से कम आपको 155 से ऊपर ही स्कोर करना होगा, वो भी करेक्ट अटेम्प्ट के साथ, तभी आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने का यूआर में चांसेस बनता है। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो कम से कम आपको 120 नंबर यहाँ पे कट ऑफ करना होगा स्कोर, तब आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो कम से कम आपको 160 से ऊपर ही करेक्ट अटेम्प्ट यहाँ पे करना होगा, तभी जाके यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने का चांस बनेगा। क्योंकि पेपर पिछली बार भी हार्ड था फिर भी कट ऑफ ज़्यादा गई, तो अगर इस बार भी हार्ड आएगा तो कट ऑफ आप जानते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा जानी ही है, ये तो कंफर्म है। क्योंकि अब जो स्टूडेंट हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है कुछ स्टूडेंट की, और कुछ की प्रिपरेशन आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज है, तो यहाँ पर सीटें इतनी ज़्यादा नहीं रहती कि सबको यहाँ पर जॉब मिल पाए, इसलिए नंबर ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपको उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो कट ऑफ आप खुद ही आइडिया लगा के समझ सकोगे कि इतना तो आपको अटैम्प्ट करना है, तभी यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो फ्रेंड ये वीडियो थी मेरी यहाँ पे कट ऑफ से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप नॉलेज आईक्यू अभी ज्वाइन करें। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, साथ साथ लेटेस्ट जॉब अपडेट चाहिए, तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली बेसिस पर, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी जॉब अपडेट मिलेंगी। बाकी बेल आइकन को बटन दबा दें। मैं अभिषेक आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट
नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।